ड्राई वेस्ट में देखने जाए तो थूक ही थूक मिलेगा, और वेट वेस्ट में देखने जाए भी यहाँ पर भी थूक ही मिलेगा। ये असम ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, असम में जितना भी स्पोर्ट्स है उसका ऑफिस यहीं पर मिलेगा आपको। असम फुटबॉल एसोसिएशन एसटीडी 1946 अरुणाचल इंफॉर्मेशन सेंटर। पूरा बारिश हो रही है और अभी मैं हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी जो स्पोर्ट्स का सेंटर है, असम का जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स का जितने भी सेंटर है वो सब उसका ऑफिस यहीं पे है नेहरू स्टेडियम। और यहाँ पे एक एक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा एसोसिएशन का ऑफिस कौन सा है, तो बने रहिए वीडियो में। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे टाइकंडो चैम्पियनशिप हुआ था 9-11 सितंबर, और बेस्ट विशेस दिए हमारे असम एथलीट्स ने। अभी गेट से एंट्री करते ही हम लोग अंदर घुस जाते हैं, और इधर एक तरुण राम फुकन इंडोर स्टेडियम, और इधर है नेहरू स्टेडियम जो अंदर आउटडोर। और ये जो सबसे पहले देखने के लिए मिलता है ओलंपिक का स्टैचू, ये है पहला वाला जो बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स असम। एंड हम लोग अभी फिर और एक एसोसिएशन जो कि ऑफिस ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन असम में। ये असम ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, सब बंद है फिलहाल, हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए। और हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट का वुशु के लिए आए थे, स्पोर्ट्स के लिए आए थे, तो यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स का मेन मॉल बोलने से भी होगा, असम में जितना भी स्पोर्ट्स है उसका ऑफिस यहीं पर मिलेगा आपको नेहरू स्टेडियम। तरुणराम फुकन इंडोर स्टेडियम का सबसे पहला वाला है असम ताइक्वांडो एकेडमी, ये ताइक्वांडो का हेडक्वार्टर है। और यहाँ है भोबिना मार्शल आर्ट्स, यहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो हम लोग अभी जहाँ पे है ये बिल्डिंग, ये तरुणराम फुकन इंडोर स्टेडियम, और ये जो है आउटडोर स्टेडियम जो फील्ड है ये नेहरू स्टेडियम। तो और बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए, जैसे फेंसिंग का उधर है, और ये जो स्विमिंग है स्विमिंग का भी है, फुटबॉल, एवरी स्पोर्ट जो ओलंपिक का साथ जुड़ा हुआ है वो सभी स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर यहीं पर मिलेगा आपको। सो किसी को अगर एफिलिएशन लेना है या फिर कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पर आना होगा, और अपना स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर का ऑफिस देख के वहाँ पे जाके आप एफिलिएशन कर सकते हैं। और ऑफिस में टाइमिंग के मुताबिक उन लोग आते हैं, जैसे हर कोई एवरी डे तो नहीं बैठते, लेकिन फ़ोन करके आने से बेटर रहेगा आप लोग को मिलने के लिए। लेकिन आप अगर सीधा आएंगे और देखेंगे कि बंद है तो ऐसे तो बंद ही होते, क्योंकि स्पोर्ट्समैन होने से भी उन लोग का एक पर्सनल जॉब या कुछ भी होता है, तो इसके लिए वो लोग आ नहीं पाते। स्पेशली संडे तो शायद सभी होते हैं यहाँ पे ऑफिस में। ये असम सेपाक ताक्रो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स, लेकिन कभी खेला नहीं हूँ। अगर एफिलिएशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आने से पहले उस स्पोर्ट्स का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है कि नहीं वो भी देखना होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है तो वहीं से आपका एफिलिएशन हो जाएगा, यहाँ आने का ज़रूरी नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का जो एसोसिएशन नहीं है तो आप यहाँ पर आकर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का एफिलिएशन ले सकते हैं। आपको तभी एफिलिएशन मिलेगा जब आपका स्पोर्ट्स ओलंपिक का साथ जुड़ा हुआ हो,
असम ओलंपिक एसोसिएशन का अंदर में अगर आपका स्पोर्ट्स है तो आप एफिलिएशन पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे। यहाँ पर और एक स्पोर्ट्स पर्सन देखने के लिए मिल रहे हैं, क्लाइंबर। क्रिकेट के पिच में तिरपाल लगा रहे बारिश की वजह से। नेहरू स्टेडियम ना, अभी तरुणराम फुकन इंडोर स्टेडियम में जा रहे हैं। देखते कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा है, पूरा अंधेरा है, सन्नाटा। यहाँ पे हम लोग का अभी कुछ दिन बाद कराटे का टूर्नामेंट होने जा रहा है। यही है स्टेडियम, ज़्यादा अंधेरा है, निकल जाते हैं अभी उस हेडक्वार्टर ऑफिस। हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ और काम हो गया फाइनली, उसके बाद हम लोग फिर जा रहे हैं अपने जगह। गुवाहाटी, और ये जो डब्बा है इस बार तो कुछ बना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट बार आने से ये कैफे या रेस्टोरेंट कुछ बनना होगा, शायद बन चुका होगा। वीडियो चैनल ये गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे अरुणाचल इन्फॉर्मेशन सेंटर बोल के अरुणाचल वालों जितने हैं उन लोग यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो कि आपका ट्रेन कौन सा है, क्या है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का तरफ से ये किया गया है। आपको इंडिया के एक खासियत दिखाने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक ड्राई वेस्ट और विट वेस्ट है। ड्राई वेस्ट में देखने जाए तो थूक ही थूक मिलेगा, और विट वेस्ट में देखने जाए भी यहाँ पर भी थूक ही मिलेगा। तो ये है इंडिया का हालत। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।